सो गाइज, यूरोप में ज़्यादातर घरों में आपको डिश वॉशर मिलेगी, और डिश वॉशर यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपके जो भी यूज बर्तन हैं उनको एक बार पानी में निकाल दीजिए और उनको उल्टा करके रख दीजिए। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे बर्तन अपने उल्टे करके रखे हैं और पीछे प्लेट्स रखी हैं, वो सब पानी में बस एक बार निकाल दिया मैंने और रख दिया। उसके बाद यहाँ पे ये इनका डिटर्जेंट का वो है, और ज़्यादातर घरों में आपका जो होस्ट है वो आपको ये एक कैप्सूल ऐसे प्रोवाइड करता है। तो आपको ये करना क्या है, ये जो कैप्सूल है इसको यहाँ पे लगा दीजिए और इसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद अब यहाँ पे आपको पावर ऑन करना है, ये पावर ऑन का बटन है। पावर ऑन हुआ, यहाँ पे ये पावर ऑन हो गया। अब ये पी बटन को दबाइए। पी बटन को मैं मल्टीपल टाइम्स दबाऊंगा, तो मैंने पहली बार पी बटन को दबाया, ये 3 आवर 18 मिनट्स की साइकिल आई जिसमें इको लिखा है, इकोनॉमी मोड में चलेगी। सेकेंड टाइम मैंने दबाया, 2 घंटे की आई जिसमें सिर्फ ग्लास का ऑप्शन दिखा रहा है, यानी कि ज़्यादातर ग्लास ही साफ़ होंगे। थर्ड दिखाया इसमें जो है 1 आवर 30 मिनट्स की, यानी 90 मिनट्स की साइकिल। उसके बाद फिर मैंने इसे एक और बार दबाया तो ये आई है 30 मिनट्स की साइकिल जिसमें कप और ग्लास हैं। और फिर एक और बार दबाया तो ये आई है एक और, सॉरी ये मैंने कुछ और दबा दिया गलती से, सॉरी ये मैंने डिले दबा दिया था। हाँ मैं पी पे हूँ। तो ये 30 मिनट्स की साइकिल है, फिर 15 मिनट्स की साइकिल है जिसमें सिर्फ वो पानी से धोएगा और कुछ नहीं करेगा, तो वो छोड़ सकते हो आप। फिर ये 2.5 घंटे की है जिसमें ऑटो वॉश होगा, और ये 3 घंटे 25 मिनट की है जिसमें बड़े बर्तन धुलेंगे, और ये एक और 3 घंटे की साइकिल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये 1.5 घंटे वाली साइकिल करूँगा। अभी ये जो बटन है तीसरा, इसका मतलब है डिले। आपको अभी चलाना है तो ये बटन को क्लिक मत कीजिए, और अगर आपको आधे घंटे 1 घंटे या 2 घंटे बाद चलाना है तो ये बटन को क्लिक कीजिए। ये ऊपर नीचे दोनों साइड का पानी से वॉश होगा या कैसे होगा वो है, मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर नीचे दोनों साइड का रखा है। और ये बटन का क्या यूज़ है मुझे पता नहीं है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ कि गर्म पानी से वॉश होगा। आई थिंक गर्म पानी का है, तो बस मैंने ये सेट कर दिया। 1 आवर 55 मिनट्स होता है अगर मैं वो गर्म पानी का करता हूँ, और अगर वो हटाता हूँ तो 1 आवर 30 मिनट्स होता है। तो मैं इसको 1 आवर 55 मिनट्स कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं बस इसको बंद कर दूँगा। बस आवाज़ आएगी और ये अपने आप प्रोसेस चालू हो जाएगा, और जब हो जाएगा दरवाज़ा इसका ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और उस पर लिखा आएगा एंड ऑफ प्रोसेस। दैट्स इट, इतना सिंपल है।